हाथों में बिजली का मीटर पकड़े ये लोग झारखंड के सिमडेगा जिला के रहने वाले हैं। ठेठई टागर प्रखंड के घुटबहार बांडिंग टोली गांव में ये ग्रामीण बिजली मीटर हाथ में लेकर सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनावी मौसम में ये ग्रामीण वोट नहीं देने की चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन क्यों, जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। पहली नजर में शायद आपको सरकारी कारस्तानी पर हंसी आ जाए, लेकिन जब आप गंभीरता से हालात को समझेंगे तो लगेगा क्या वाकई सरकारी विभाग और अधिकारी इतने अव्यवहारिक, असंवेदनशील और असभ्य हो सकते हैं। दरअसल आजादी के 7 दशक और झारखंड गठन के 24 साल बाद भी ये गांव मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। गांव में वैसे तो आवास, सड़क और पेयजल जैसी सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन ग्रामीणों के साथ सबसे गंदा मजाक बिजली को लेकर हुआ है। गांव में विद्युतीकरण की मांग वर्षों पुरानी है। 3 साल पहले गांव में कुछ ऐसा हुआ कि आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ग्रामीण बिजली मांग रहे थे और विभाग ने उनके हाथ में बिजली का मीटर थमा दिया। गांव में ना तो खंभे लगे और ना ही तार बिछाई गई। विद्युतीकरण के नाम पर गांव में लोगों को सीधा बिजली मीटर दे दिया। अब आप ही बताइए क्या करेंगे इस मीटर का। बस मीटर दे दिया 2-3 साल पहले, फिर क्या फायदा मीटर रख के। हम लोग माली बिल आएगा तो भरना पड़ेगा, कैसे भरे पॉकेट का बिना बिजली का। अच्छा, ना पोल है, ना लाइन है, ना तार है, कुछ नहीं, बस मीटर दे दिया रखे हुए है। ठेठई टांगर के घुटबहार बांडिंग टोली गांव के लोग सरकार आपके द्वार से लेकर जनता दरबार तक में गुहार लगा चुके हैं। कई बार विद्युतीकरण की मांग उठाई गई है, बदले में क्या मिला, कुछ जवाब, मसलन हो जाएगा, कर देंगे, मिल जाएगा, देखते हैं। हम लोग कितने जनता दरबार में जाके हम लोग नाम लिखवाए और नाम लिख करके सभी लोग का सिग्नेचर ले करके हम लोग जमा किए हैं, 2 बार किए हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ हम लोग का। ऐसा हम लोग का, और यहाँ इधर के टोली में ना हम लोग का बहुत ही समस्या झेल रहा है। और महिला मंडल में हम जाते हैं मीटिंग, तो सभी तरह का सुविधा बताते हैं वहाँ, तो हम लोग क्या उपाय करेंगे। पानी का भी सुविधा नहीं, बिजली का भी सुविधा नहीं, तो हम लोग क्या कर पाएंगे। हम वैसा ही मीटिंग में बता देते हैं तो करेंगे बोलते हैं वो लोग भी, लेकिन अभी तक कोई नहीं कर पाया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि राजनीतिक पार्टी कोई भी, रवैया सबका एक समान है। ना तो जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेते हैं और ना ही प्रशासन सुनता है। महिला मंडल की बैठक से लेकर गांव की आम सभा तक में सैकड़ों बार गांव में बिजली की समस्या पर चर्चा परिचर्चा हो चुकी है, लेकिन समाधान कुछ नहीं निकला। ये मीटर दिया जाए है 3 बरस पहले, और हम लोग कितना आवाज उठाए फिर भी कोई नहीं सुने। ये पहले हम लोग दिया था NOSECA को, वोट उस बार भी नहीं हुआ, उसको भी हम बोले थे, वो भी नहीं काम किया। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी के लोग आए थे, वो लोग भी आवाज़ दिया यहाँ पर, उसी रोज जहाँ आवाज़ दिया उसी टाइम अपना घर जगह में बोल दिया कि हम लोग को पहले बिजली होना चाहिए। तो हाँ हम लोग दिला दें, ख़त्म होने वाला है अभी, फिर भी नहीं किया है। और इधर पानी की समस्या भी है हम लोग का, लेकिन पानी तो काल परसों हम लोग को के लिए कुरवाया गया है, अभी नहीं बना लेकिन बन जाएगा। घुटबहार बांडिंग टोली गांव में बिजली नहीं होने से कई तरह की दिक्कतें हैं। बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है, लोगों को कनेक्टिविटी में समस्या होती है। इलाका एलिफेंट कॉरिडोर है, इसीलिए अंधेरे में खतरा रहता है। बिजली नहीं होने की वजह से महिलाओं की सुरक्षा भी खतरे में है। वर्षों पुरानी ये बुनियादी मांग पूरी नहीं की जा रही। ग्रामीण कहते हैं कि हम इस लोकसभा चुनाव को पर्व कैसे समझें, जब हमारी जिंदगी ही अंधेरे में है। लाइन दे देंगे बोल के बोलता है, 3 साल हो जा रहा है, मीटर दिया है सो। आप लोग आवाज़ नहीं उठाए? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, आवाज़ करते हैं तो भी बोलता है करेंगे बोलता है, कुछ अभी तक काम भी नहीं हुआ है। हम लोग बोल के थक जाते हैं, वो लोग अपना इस मौज करते रहेगा। नेता लोग नहीं आता है गांव में? आता है, लेकिन वो लोग आता है बस वोट वोट के लिए आता है, और वो लोग वोट जब मिल जाता है तो वो लोग चल जाता है और कुछ काम नहीं करता है। ठेठई टांगर के घुटबहार बांडिंग टोली गांव में बिजली के साथ साथ आवास, सड़क और पेयजल की भी समस्या है। 1 साल पहले लगा जल मीनार खराब हो चुका है, आधी से ज्यादा आबादी को पक्का घर नहीं मिला। जिला और प्रखंड मुख्यालय तक जाने के लिए ढंग की पक्की सड़क नहीं है। सवाल है कितनी मूलभूत और साधारण सी समस्याओं का भी समाधान नहीं हुआ तो लोग किस उत्साह से वोट करेंगे। सिमडेगा से द फॉलो अप के लिए संवाददाता अमन मिश्रा की रिपोर्ट।
आयोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.followup.in।